अब ये है काशीपुर हमारा 20 किलोमीटर दिखा रहा है और रास्ता इतना सुहाना सुहाना हो रखा है और मम्मी और मौसी और बातें मार रहे हैं पीछे बैठ के। आंटी बोर होने रे आंटी तो शेगे कोई बात नहीं आंटी ने खाया पिया अब आंटी नींद ले रही है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आप सोच रहे होंगे कि हम सुबह सुबह उठ के क्या कर रहे हैं। हमें निकलना है अभी काशीपुर के लिए तो मैं जल्दी से ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, वॉशरूम वगैरह हो जाती हूँ और फिर बनाती हूँ चाय। तो चलो मैं जल्दी से चाय बना के ले आती हूँ क्योंकि आशु और बनी को भी उठाना है। ब्रश मैंने कर लिया और चाय जो है मेरी उम्र की, क्योंकि जब तक तो मैं ब्रश कर रही थी मैंने कहा चाय में रख देती हूँ। तो अब मैं जल्दी से चाय दे देती हूँ आशु को और ख़ुद भी पी लेती हूँ और फिर बनी को उठा के रेडी होते हैं। आशु की और ये मेरी चाय है। अब मैं जल्दी ऊपर जाती हूँ, आशु को भी चाय दे देती हूँ और ख़ुद भी चाय पी लेती हूँ। दोनों एक साथ जाने पड़ेंगे, हाथ में जल जाएगा भगवान। चलो जल्दबाजी में ऐसे होता है, अब मुझे ऐसे करके ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा दो बारी चक्कर कौन मारेगा, एक ही बारी में ऐसे लाते हो छूट गया ना कुछ भी। तो वही है जल्दी का काम शैतान का काम। मैं जल्दी जल्दी इन दोनों को भी उठा देती हूँ, कमरे में अंधेरा हो रखा है, लाइट जलाती हूँ उधर से। पहले तो नीचे रख देती हूँ कप, फूट जाए। लाइट जला दी मैंने और हमने नेट लगा रखा है मच्छरों की वजह से। आशु चाय रखी है यहाँ पे। आशु आशु 4:15 होगी, चलो उठो। बन्नी को भी उठाऊंगी मैं, फटाफट चाय पी लो। फिर मैं फटाफट से नेट हटा देती हूँ और चाय वाय पी लेती हूँ, फिर बन्नी को भी उठाना है। मैंने चाय पी ली है और बन्नी को, रे मैंने मच्छरदानी हटाई, मच्छरों ने खा दिया। तो मैं बनी को सोई में ही ले जाती हूँ, उसके कपड़े रख देती हूँ जो उसे पहनाने और फिर उसको ऐसे ही ले जाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, बस बाल बनाने रह गए मेरे। तो मुझे रास्ते में उल्टी होती है, उसके लिए मैंने हाजमोला कैंडियाँ ला रखी है टॉफ़ी। तो मैं जल्दी से उनको अपने बैग में रख लेती हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी एंड मौके पर, क्योंकि पूरे रास्ते मुझे उल्टी उल्टी होती है। ये हमारी पैकिंग, क्योंकि मेरी कज़न की शादी है तो इसलिए हमारे इसमें अभी 2 ही बैग हो रखे हैं। तो इसमें मेकअप का सामान हो गया, चप्पल जूते हो गए, थोड़ा बहुत सामान है और उसमें हमारे सारे कपड़े वगैरह टॉवल वगैरह रखे हुए हैं बनी मेरे और बनी के पापा के। तो मैं जल्दी से पहले हाजमोला कैंडी रख लेती हूँ। ये हाजमोला कैंडी का पैकेट, अब रास्ते के लिए ना मुझे टॉफ़ी रखनी पड़ेगी आने जाने दोनों टाइम के लिए। तो इतनी टॉफ़ी बहुत है क्योंकि अब अकेला नहीं खाऊंगी, और भी है साथ में वो भी लेंगे। तो मैं इनको अब अपने इस बैग में डाल देती हूँ और फिर बनी को लेके नीचे चलती हूँ। हम निकल गए हैं, हमारी पूरा हमने डिक्की विक्की फुल कर दी थी अपने सामान से और अब हम निकल गए हैं काशीपुर के लिए। बनी बैठा है दादू के साथ आगे, चलो फिर चलते हैं अब काशीपुर। रोड पर मंकी भाग रहा है, ओ भाग रहा है, ओ देखो मुझे छोटे मंकी वो भी भाग गया, देखा ओ भाग गया। अभी तो बोलूं काशीपुर तक जा जाता कितने मंकी देखेगा तू। एक मंकी तो बनो ही है ना बनी? अच्छी ना मंकी है। इससे ओवरटेक किया तो वापस आ गया था मेरे घर पर। कौन बस वाला? क्योंकि मैं जैसा है वो जैसा भागा था वो लिया है। हाँ। ऐसा सीधा। तो अब सूरज निकलने लग गया है और टाइम हो चुका है 6:30 और अभी हम यहीं पे घूम रहे हैं। कहाँ पे अभी हम? सफदरजंग में। और मम्मी और आगे निकल गए क्योंकि चाचा को पिक करना था, अब हम उनको पकड़ेंगे अब क्योंकि हमने पेट्रोल वेट्रोल भराया था। तो मिलते हैं उनको वहीं, कैच करते हैं अब। तो अब हम यहाँ वसुंधरा के सामने खड़े हो रखे हैं और सब चाचा मौसी सब जा रहे हैं, क्योंकि हम 2 गाड़ी लेके जा रहे हैं तो सबके सब अपने अपना सामान रख रहे हैं। और यहाँ अब सबके सब मिल गए हैं, अब हमारी गाड़ी और पीछे अभिषेक की गाड़ी है। तो हम सबके सब गाड़ियों में बैठ के जाएंगे, अभी सेटिंग कर रहे हैं सामान रखने की, जैसे सेटिंग हो जाएगी तब चलते हैं फिर हम लोग। अब मम्मी बैठ गई है, मौसी और आंटी बैठ रहे हैं, अभिषेक और रेडी हो गए, चाचा और
काकी और पापा उसमें जा रहे हैं क्रेटा में, और हम लोग जाएंगे नेक्सॉन में। ये सब बैठ गए हैं, बनो यही है, यही है, बनो भी सो के ऊपर हो रहा है। तो अब ये लोग बैठ जाएंगे, फिर हम लोग चलते आगे, चलो। तो ये पहला टोल है जहाँ हम टोल कटाएंगे, और अभी से और हमसे आगे चल रहे हैं। ये कौन सा टोल है? अच्छा, छजर्सी फ्री प्लाजा, वेलकम। गाड़ी रोको, बोल रहे अरे अच्छा अच्छा मैं सुना गाड़ी रोको। जाओ तुम वॉशरूम हो जाओ। तो अभिषेक और यहाँ पे रुके हुए, ये चलो अब यहाँ पे रुक जाते जरा, फिर चलते आगे। हम यहाँ पे उतरे हैं फौजी ढाबे में, टी स्टॉल है, तो सबको चाय पीनी थी। मम्मी उन्हें चाय नहीं पी थी नाश्ते में सुबह, तो चाय पियेंगे अभी सारे यहाँ खड़े होकर। चलो आओ फिर, तब हम चाय पियेंगे सारे के सारे। चलो बैठो यहाँ पे छाया में, आ जाओ। चाय आ गई है, हम कुल्लड़ में चाय पी रहे सारे के सारे, और चाय पी के फिर हम आगे जाएंगे नाश्ता करने। सब के सब पी रहे, अभी से एक ही पी रहा बस, बाकी सब चाय चुस्की मार रहे हैं। आधे रास्ते पे छाया हो रखी है, आधे पे धूप हो रखी है, और उस साइड को ट्रेन की पटरी है। आती थी ढाबा पे उतरे, और मम्मी और यहाँ बातें ही पूरी नहीं हो रही, अंदर चलो। तो हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, क्योंकि तो हमने चाय पी थी पहले पीछे ढाबे पे, अब यहाँ नाश्ता करेंगे। अभिषेक यहाँ मेन्यू देख रहे हैं, पीछे नहीं है क्या क्या पराठे देख रहा है, चल देख ले। मैं बनी का मुँह लाती हूँ, बनो आधे, चल मुँह धो ला कर आती हूँ। चल यहाँ पे हम बेंच पे बैठे हुए सबके सब अपने पराठे का इंतजार कर रहे हैं। आलू प्याज का मिक्स पराठा मंगाया है सबने, नानू को दे दो, नानू खोल देंगे। चलो आप कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं भी आती हूँ। आ गए हमारे आलू के पराठे, और ये तंदूर के हुए हैं, और मौसी और काकी खाने लग रहे हैं। खा लो, क्या हुआ, और क्या चीज लाएगा, पराठे तो बोले थे दही। तो चलो हम फटाफट इनको खा के इंजॉय करते हैं, और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे चाचा और आशु बातें कर रहे हैं, अभिषेक बात कर रहे हैं। बनी आ जा पराठा खा ले, आ जा। चलो तो हम फटाफट से पराठा फिनिश करते हैं और फिर निकल जाते हैं काशीपुर के लिए। ये है काशीपुर, हमारा 20 किलोमीटर दिखा रहा है, और रास्ता इतना सुहाना सुहाना हो रखा है, और मम्मी और मौसी और बातें मार रहे हैं पीछे बैठ के। आंटी बोर होनी रे, आंटी तो सेगे कोई बात नहीं, आंटी ने खाया पिया, अब आंटी नींद ले दी है। और अब आगे जा रही है इस गाड़ी के आगे, अभिषेक और की गाड़ी जा रही है, और बनी भी उसी गाड़ी में जा रहा था आज, दादा बैठे हुए उसके उसमें। और यहाँ लोगों ने सट्टी बो रखी है, यानी चावल, धान, हाँ धान, चावल ही तो बोलती हूँ खड़ा ना। अब ये सूखे पेड़ों के बीच का रास्ता है, और हमें काशीपुर पहुंचने में सिर्फ 6.9 किलोमीटर रह गए, यानी कितने मिनट में पहुंचेंगे, 11 मिनट दिखा रहा है काशीपुर का। और रोड देखो, पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों तरफ से, और सूखे पेड़ है, ऐसे भी नहीं कि हरे पेड़ है, पर अच्छा लग रहा है देखने में। और अभिषेक और भाग गए आगे, और यहाँ पे लोगों ने गेहूं काट रखे हैं, और इस साइड रेल की पटरी है, ये दिख रही है, तो काफी अच्छा रास्ता है, ऐसे रास्ते मजे आते हैं नहीं। और ड्राइवर जी
अरे ड्राइवर जी को दिखा रहे हो ड्राइवर यो यो पहुंच गए हैं और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मौसी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक हो? हां बढ़िया एकदम चकाचक। ये बनो हां दिन नमस्ते नमस्ते ठीक है। हां ये दुल्हन विदाई हो जाएगी परसों।